अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन बावकत आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में और आज मैं आपके लिए एक बहुत ख़ास नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, आज मैं ये नुस्खा उन हजरात के लिए लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिन हजरात की बीवियाँ उनको ताना मारती है कि तुम्हारे बस की अब कुछ नहीं रहा, अब तुम ख़त्म हो चुके हो और मैं भी अब तुम्हें छोड़ के जाने वाली हूँ, यानी कि जिनकी तलाक बिल्कुल सिर पर है कि शादी टूटने वाली है, जो हजरात अपनी बीवी को बिल्कुल भी खुश नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। आज उनके लिए एक बहुत नायाब नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिन हजरात की बिल्कुल टाइमिंग ज़ीरो है, सूरत इंजाल उनको रहता है, एहतलाम रहता है, धात जाती है, ज़रियान वगैरह की प्रॉब्लम है। तो आज जो हजरात ने मेरी ये वीडियो देख ली है, यकीन मानिए अपने आपको बहुत खुशनसीब समझेगा। तो लिहाजा वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और घंटी वाला बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। इसमें आपने जो जो चीज़ें लेनी है मैं सब बता रहा हूँ, आप उसे नोट कर लीजिएगा। इसमें आपने अक्कर करहा लेना है 20 ग्राम, उसके बाद जावित्री लेनी है 20 ग्राम, उसके बाद आपने सौंठ लेनी है यानी कि खुश्क अदरक 20 ग्राम, और चौथे नंबर पर आपने 5 अदद देसी अंडे की जर्दी ले लेनी है, जो पीला पीला उसका पार्ट होता है, जो भाग होता है वो ले लेना है, जो सफ़ेद होता है वो फेंक देना है। जर्दी आपने 5 लेनी है, इसके बाद आपने जर्दी को फेंट लेना है, इसको अलग रख लेना है। अब आपने करना क्या है, जो मैंने आपको ये सारी जड़ी बूटियाँ बताई हैं, इन सब जड़ी बूटों को आपने अच्छी तरीके से हवन दस्ते में डाल के कूट लेना है। कूटने के बाद सफ़ूफ तैयार मिलेगा आपको, तैयार सफ़ूफ को आपने अंडे की जर्दी में मिला देना है और अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अब आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद चने के बराबर इनकी गोलियाँ बना लेनी है, ठीक है। चने के बराबर गोली बनाने के बाद आपने इसको साय में सुखाने के बाद, ना धूप लगनी चाहिए ना छाँ लगनी चाहिए, साय में जो ठंडा अपना जगह हो वहाँ पर रखने के बाद आपने, और इसको एक गोली शाम को सोते वक्त दूध के साथ इस्तेमाल करनी है। यकीन मानिए इतनी ज़बरदस्त ताकत आप में पैदा कर देगा कि सूरत इंजाल, ज़िरियान, धात की प्रॉब्लम, टाइमिंग की प्रॉब्लम सब इंशाल्लाह गारंटी के साथ ख़त्म होगी। 40 दिन इस्तेमाल करना है, इसके साथ गर्म चीज़ों का परहेज़ रखना है और ख़ास तौर पर हम बिस्तरी का 20 दिन का परहेज़ रखना है। यकीन मानिए फौलाद बनकर आप आओगे, जो आप 20 दिन पहले थे वो नहीं, जो आप 20 दिन के बाद इसको खाने के बाद अपनी बीवी के साथ बिस्तरी करोगे तो बीवी ये बोलेगी कि ये तो आज फौलाद की तरह मुझ पर काम कर रहा है। तो यकीन मानिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और शेयर भी करें और इसके साथ साथ मेरे इस नुस्खे को बनाएं भी और इसका फ़ायदा ही मुझे बताएं। तब तक आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।